मनप्रीत सोही जुड़ गए हैं। रमनप्रीत जी, गुड मॉर्निंग। पहले नंबर्स आए आपके और पहले नंबर्स में ही आपने एक चौका मार दिया, शानदार नंबर्स। क्या रीज़न रहा इन नंबर्स का और क्या ग्रोथ रेट रही? पहले ममा अर्थ की बात करते हैं, Q2 में क्या ग्रोथ रही और H1 में क्या ग्रोथ रही? जी, यू नो, स्पेसिफिक ग्रोथ करने की यू नो बात करना थोड़ा मुश्किल रहेगा, बट आई थिंक जैसे आपने बोला, हमारा फर्स्ट हाफ इज मोर रिप्रेजेंटेटिव हमारे फाइनेंशियल्स के लिए इस बार। सो हमने 33% की ग्रोथ फर्स्ट हाफ में डिलीवर की है, और लाइक फॉर लाइक अगर हम देखें तो 36% की ग्रोथ हमने डिलीवर की H1 में। एंड वो ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव इसलिए है क्योंकि हमने पिछले साल Q1 में कुछ बेस इंपैक्ट आया था हमारा ERP इम्प्लीमेंटेशन की वजह से, जो जिसकी वजह से कुछ हमारी सेल्स Q2 में हो गई थी, इसलिए बेस से इंपैक्ट है। उसको अगर हटा देंगे तो हमारा लाइक फॉर लाइक 36% है। ऑफकोर्स हमारा फोकस इस दौरान ये भी रहा है कि हम अपनी प्रॉफिटेबिलिटी और एफिशिएंसीज को कैसे इंप्रूव करें, और वेरी क्लियरली जैसे हमने देखा, जैसे बिजनेस स्केल किया है लेवरेज के साथ, हमें क्लियरली हमें 2-3 की लीवर्स में, स्पेशली ANP कॉस्ट में हमें 250 बेसिस पॉइंट्स प्लस का लेवरेज मिला है, और पेरोल कॉस्ट में भी हमें अच्छा लेवरेज मिला है। सो जिस तरीके से हमारा फोकस था, उस तरीके से हमने बिजनेस को आगे फोकस बढ़ाया है, और क्लियरली हम इसके साथ साथ ये भी फोकस रहा है हमारा कि हम ब्रांड्स पे अपना फोकस ना छोड़ें। तो मामाअर्थ और हमारे जो नए यंगर ब्रांड्स है जिन्होंने बहुत ही अच्छा किया है, सब पे हम क्लियरली फोकस्ड इन्वेस्टमेंट्स करते रहे हैं, और बट क्लियरली एज ब्रांड स्केल तो उनको लिवरेज हमें नजर आ जाता है। सो आई थिंक दैट हैज लेड टू डिलीवरी ऑफ दिस नंबर्स, एंड क्लियरली यू नो हमारी स्ट्रेंथ्स है इनोवेशन, जिसकी वजह से हम मार्केट से आगे रहते हैं। वी आर वन ऑफ द फास्टेस्ट इनोवेटर्स इन द मार्केट। वी आर ऑल्सो वेरी क्लियरली स्ट्रेंथनिंग आर डिस्ट्रीब्यूशन। तो ऑफलाइन में अपनी हमने डिस्ट्रीब्यूशन फोकस बढ़ाया है, ऑलमोस्ट 47% से हमने अपनी डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंशन की है पहले हाफ में। ईयर ऑन ईयर बेसिस ऑलमोस्ट 1.65 लाख रिटेल आउटलेट्स में हम पहुंच गए हैं, और क्लियरली जो हमारे यंगर ब्रांड्स हैं वो बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं, उनकी प्रोपोजिशंस कंज्यूमर को बहुत पसंद आ रही हैं। अब एक 2-पार्ट क्वेश्चन पूछूंगा मैं आपसे। एक तो आपके जो मार्जिन्स बढ़े हैं, एडजस्टेड फॉर ईसॉप रिवर्सल एबिटडा मार्जिन 70 बेसिस पॉइंट बढ़े हैं आपके, 7.1% पर आए हैं, ये इसकी ट्रेजेक्टरी क्या रहेगी? और दूसरा, इस क्वार्टर का आपका एड स्पेंड क्या रहा परसेंटेज ऑफ सेल्स के हिसाब से? आई थिंक पिछले साल ये 35.5% आया था, जो ऑलरेडी 41 से नीचे आ चुका था, और पिछले क्वार्टर में 35% था Q1 में। Q2 में ये कितना रहा, इस पर एक डिटेल दे दीजिए मुझे, और ये मार्जिन की जो ट्रेजेक्टरी है ये कैसी रहने वाली है यहाँ से? हाँ जी, तो अगर स्पेसिफिक नंबर्स की बात करूं तो जैसे आपने सही बोला, तो यू नो अगर हम वन टाइम ईसॉप रिवर्सल को हटा देते हैं तो Q2 में हमारा 7.2% मार्जिन रहेगा, और सिमिलर H1 में मार्जिन हमारा 7% है। सो आई थिंक जो ये मार्जिन है ये स्ट्रक्चरल है, और क्लियरली स्केल का लेवरेज और स्केल एफिशिएंसीज जो हमें नजर आई है स्केल की वजह से वो है। सो होपफुली इस पे हम फोकस करते रहेंगे, और स्ट्रक्चरली जो हमें इम्प्रूवमेंट मिली है इस पे हम और कंसोलिडेट करेंगे। अब आपका क्वेश्चन था ANP पे जो स्पेंड्स हैं हमारे, हमने 250 बेसिस पॉइंट, 265 टू बी स्पेसिफिक बेसिस पॉइंट्स का एफिशिएंसी ऑप्टिमाइजेशन देखा है ईयर ऑन ईयर H1 में, और H1 है बेटर बेंचमार्क रहेगा हमारा अगर हम ANP को देखें, बिकॉज हमारा कुछ जैसे मैंने समझाया बेस में ERP इंप्लीमेंटेशन की वजह से कुछ शिफ्ट हुआ था Q2 में, तो लाइक फॉर लाइक नहीं रहेगा, बट 35% Q2 का स्पेंड है और 35% के आसपास ही हमारा H1 का स्पेंड है, जो लास्ट ईयर H1 से ऑलमोस्ट 265 बेसिस पॉइंट्स गिरा है। तो वो रहेगा, और आगे जाके फोकस हमारा यही है कि जैसे जैसे हम अपने ब्रांड्स पे इन्वेस्ट करते रहेंगे, स्केल करते रहेंगे, जैसे जैसे हमारे ब्रांड स्केल होंगे, जैसे जैसे हमारे यंगर ब्रांड्स मच्योर होंगे, तो हम क्लियरली उनमें एफिशिएंसी देख रहे हैं, और एफिशिएंसी हमें और नजर आती रहेगी, और उसके बेसिस पे हमें लिवरेज मिलेगा ANP में, अदर ओवरहेड्स में, और हमारे मार्जिन अनलॉक होते रहेंगे और इम्प्रूव होते रहेंगे फ्रॉम एन ईयर ऑन ईयर बेसिस। अच्छा, ममा अर्थ के प्रोडक्ट्स पे मैं एक चीज़ कहूँगा कि मेंस के लिए भी आपने मतलब प्रोडक्ट्स निकाले हुए हैं, जैसे वो काफ़ी और अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। ओवरऑल जो ग्रोथ हो रही है वो किन प्रोडक्ट्स में सबसे ज़्यादा हो रही है, और ऑफलाइन चैनल्स में, क्योंकि आप अब काफ़ी फोकस कर रहे हैं ऑफलाइन चैनल्स में, वहाँ पर अब आपका क्या एक रुख रहने वाला है?
हाँ जी, तो आपने कैटेगरी और प्रोडक्ट के बारे में पूछा। जैसे हमने पहले बात की, ऑफलाइन में हमारा फोकस बना हुआ है, हमारी एक डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंशन वहां पे हुई है। मामा अर्थ के द्वारा सबसे ज्यादा हमारी डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंशन हुई है, बिकॉज अभी हमारा फोकस ऑफलाइन है, मामा अर्थ के साथ है। तो जैसे हमने बोला 1.65 लाख रिटेल आउटलेट्स में हम पहुंच गए हैं, और उसमें भी अगर हम एसी नीलसन के नंबर्स के हिसाब से देखें, शैम्पू और फेस वॉश, स्पेशली फेस वॉश जो हमारा लीड कैटेगरी है, एक्विजिशन कैटेगरी है, कस्टमर एक्विजिशन कैटेगरी है, उसमें हमने ऑलमोस्ट 100 बेसिस पॉइंट्स का मार्केट शेयर इंक्रीज देखा है सेकेंड क्वार्टर में। शैम्पू में हमने ऑलमोस्ट 50 बेसिस पॉइंट्स का मार्केट शेयर इंक्रीज देखा है। सो क्लियरली जैसे जैसे हम डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ा रहे हैं, अपनी कंज्यूमर का प्यार हमारे साथ बना रहा है, हमारा ऑब्वियसली हम सही इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं कंज्यूमर फोकस करके, और हमारी एक्सेप्टेंस ऑफ प्रोडक्ट एंड ब्रांड इज ऑल्सो इंक्रीजिंग इन द मार्केट। ओके रमनप्रीत जी, जैसा कि अभी तक हमने H1 के नंबर्स को बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस किया, फॉर सेकेंड हाफ आपका आउटलुक क्या है, क्या वॉल्यूम ग्रोथ आप टारगेट कर रहे हैं? प्लस सर एक चीज़ जानना चाहूँगा, जो आपने एस्टेब्लिश प्रोडक्ट्स और न्यू प्रोडक्ट्स के बारे में यहाँ पे बात कही, जो न्यू प्रोडक्ट्स की ग्रोथ कैसी रही, और आगे जाके मैं मान के चलूँ कि सेकेंड हाफ में और कितने प्रोडक्ट लॉन्चेस की आपकी योजना है, कितने नए प्रोडक्ट्स आपकी बास्केट में ऐड होंगे? जी एक तो हमारा फोकस यही है कि हम मार्केट से तेज ग्रो करते रहें। जैसे कि आपने देखा फर्स्ट हाफ में हम मार्केट से ऑलमोस्ट 3 गुना तेज ग्रो किए हैं, तो हमारा फोकस उसी डायरेक्शन में बना रहेगा। और जैसे हमने पहले बोला कि हमारी ग्रोथ का की लीवर हमारा इनोवेशन है, तो इनोवेशन हम हर ब्रांड में बहुत ही फोकस तरीके से करते रहते हैं और करते रहेंगे। और अगर हम पहले आपकी बात करें, तो ऑलमोस्ट 13% ऑफ आर टॉप लाइन हमारी इनोवेशन और नए प्रोडक्ट से आई थी। तो हमारा फोकस यही रहेगा कि हमारा इनोवेशन इसी लेवल पे कंटिन्यू करता रहे। हमारे लिए हमारा जिस तरीके का हमारा बिजनेस है, हमारा फोकस ब्यूटी एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स पे है, और उसमें इनोवेशन बहुत ही जरूरी है। और इनोवेशन जो हमारा है वो थोड़ा डिफरेंशिएटेड है, हमारा डेटा साइंस बैक इनोवेशन है, हमारे पास साइंस बैक टूल्स हैं जिसके बेसिस पे हम कंज्यूमर ट्रेंड्स मार्केट से पिक करते रहते हैं, ताकि हम मार्केट से आगे सोचें और उस बेसिस पे हम अपने बिजनेस को आगे बिल्ड करते रहेंगे, और इंश्योर करेंगे कि इनोवेशन हमारा की लीवर आगे हमें हेल्प करता रहे और बिजनेस को स्केल करने के लिए फोकस में रहे। ये सर अप्रोक्सीमेटली जो आपका एड स्पेंस है, वो सेल्स का एग्जैक्टली यही रहेगा, या फिर आप मानते हैं कि जिस प्रकार के प्रोडक्ट लॉन्चेस हैं, जिस प्रकार से अपना रिटेल प्रेजेंस आप बढ़ा रहे हैं, इसकी ट्रेजेक्टरी मोर और लेस क्या रहेगी आगे जाकर अगले 2-3 क्वार्टर्स में? देखिए, जिस तरीके से हमने फर्स्ट हाफ में परफॉर्मेंस दी है, ईयर ऑन ईयर जो हमारी ऑप्टिमाइजेशन हुई है, उसी तरीके से हम एटलीस्ट हमारा एंडेवर यही है कि वही तरीके से हम ये एनपी स्पेंड सेकेंड हाफ में देख पाएंगे। रमनप्रीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं फिर से कहूँगा कि एक आईपीओ को लेकर आपके काफ़ी लोगों ने काफ़ी मतलब एक थोड़ा सा नेगेटिव व्यू लिया था, मैं भी काफ़ी ज़्यादा एकदम वो उस समय पॉजिटिव नहीं था, क्योंकि उस समय मुझे लग रहा था कि काफ़ी महंगा आ रहा है, लेकिन आपने एटलीस्ट नंबर्स पर डिलीवर किया और आईपीओ इन्वेस्टर्स अब अच्छे खासे ग्रीन में है, तो उसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारक, और विश यू ऑल द बेस्ट। चलिए चलिए, बात हो गई अब होनासा की, और अच्छे नंबर्स कंपनी ने पेश किए और स्टॉक 20% ऊपर, फटाफट से सबके